हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी 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 गुड। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ बेस्ड ऑन रैपिड डाइट, आपके बनीज के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च एंड माई नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपके सामने रखना चाहती हूँ। जब मैं अपने बनीज को लाई थी तब मुझे रैबिट्स को लेकर कोई नॉलेज नहीं हुआ करता था, मुझे बस ये अच्छे लगते थे। तो मैं जिनसे इन लोग को लाई थी मैंने उनको पूछा था कि भैया मुझे इन लोग को क्या देना चाहिए खाने के लिए, क्योंकि वो जो जहाँ अपने बनीज को रखे हुए थे वहाँ उन्होंने उनको दाल चावल दिया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैडम आपके घर में दाल चावल रोटी सब्जी तो बनती ही होगी, तो आप इन लोग को रोटी खिला दो चावल खिला दो, ये लोग खुशी खुशी खा के अपना लाइफ जी लेते हैं। तो मैंने भी सोचा कि दाल चावल रोटी सब्जी तो किसी के भी घर में बनता है, सो आई कैन टेक केयर ऑफ देम, यही सोच के मैं इन लोग को लाई। फिर जब मैं इन लोग को लाई तो मुझे लगा कि अब मैं किसी को लाई हूँ तो आई मस्ट हैव सर्टन नॉलेज अबाउट देयर डाइट। तो फिर मैंने उस रात उन लोग को लेके बहुत रिसर्च किया कि इन लोग के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, इनके हेल्थ के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। देन आई रियलाइज कि वो बंदा अपने रैबिट्स को बेचने के लिए कुछ भी बोलता गया और वो एक ब्लंडर था, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर मैं इन लोग को दाल चावल रोटी सब्जी खिलाती हूँ तो इन लोग का हेल्थ डिटोरिएट ही होगा, बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा। तो ऑन दिस नोट आई विल स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो बेसिकली जो रैबिट का डाइट होता है उन लोग का 80% ऑफ डाइट शुड बी ग्रास और हे। हे इज़ अ ड्राई फॉर्म ऑफ ग्रास, जो कि आपके आसपास कोई भी घास मिलता है, दुबी घास हो, नॉर्मल घास हो, जंगली घास हो, उसको उसका जो ड्राई फॉर्म होता है उसको हे बोला जाता है। और अगर आपके पास ग्रास नहीं है, आपके आसपास अवेलेबल नहीं है, तो आजकल ऑनलाइन भी मिल जाता है, तीमूती है, अल्फाफा है, ये सब नाम पे आपको मिल जाते हैं। यू कैन बाई इट फ्रॉम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, एनीथिंग, आप उसमें से बाय कर सकते हैं। तो बेसिकली इन लोग का जो डाइट है वो 80% हे ही होना चाहिए, क्योंकि इन लोग को अपने दांत के लिए 24 घंटा कुछ मंच करने के लिए चाहिए, वरना इनके दांत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो वो अपने दांत के ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए वो लोग हे को मंच करते हैं। इसीलिए हम लोग अगर इनको इनका सामान प्रोवाइड करेंगे तो फिर ये हम लोग के घर में हम लोग के सामान को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अब आते हैं रेस्ट 20% में। रेस्ट 20% शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन वेजीज, ट्रीट्स और पैलेट्स, आउट ऑफ विच 10% शुड बी द ग्रीन वेजीज एंड रेस्ट 10% शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीट्स एंड पैलेट्स। सो नाउ लेट्स कम टू द वेजीज पार्ट। वेजीज में आप इनको कैप्सिकम, कैरेट, कोरिएंडर, बीन, लेट्यूस, क्यूकम्बर, मेथी साग, कैबेज, टमाटोज, आपके सराउंडिंग में जो भी अवेलेबल है आपके कंफर्ट के हिसाब से आप इनको दे सकते हैं। बट अगेन द पोर्शन शुड बी वेरी 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 लिमिटेड, मतलब कि एक छोटा कटोरी आपको इनको देना है। एंड लेट्स कम टू द फ्रूट पार्ट। फ्रूट में आप इनको बनाना, कैरेट, एप्पल, बट मेक श्योर कि एप्पल में सीड नहीं होना चाहिए। एनी थिंग जो है चाहे सीड लाइक कैप्सिकम, टमाटो, देन एप्पल, ये सब का सीड्स आपको उनको निकाल के देना है, बिकॉज दैट इज़ नॉट गुड फॉर देयर डाइजेशन। नाउ लेट्स कम टू द फ्लावर पार्ट। इन लोग को फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक रोज़, मैरीगोल्ड, या फिर आई कैन से चाइना रोज़ या उड़हुल जिसको बोलते हैं। यू कैन गिव दम ड्राई फॉर्म ऑफ रोज़ पेटल्स या फिर मैरीगोल्ड, बट अगेन मतलब एक छोटा सा रोज़, लाइक 2-3 to 4 पीसेस ऑफ रोज़ का वो पेटल्स और मैरीगोल्ड और चाइना रोज़, इसमें से आप कुछ भी इनको दे सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू पुदीना एंड तुलसी। पुदीना और तुलसी इन लोग को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और मैं स्पेशली विंटर और बारिश के टाइम में इन लोग को देती हूँ। बट अगेन 3-4 मतलब लीव्स ऑफ पुदीना और तुलसी, ये सारी चीज़ें कंट्रोल में होना चाहिए। मैं अगेन आपको बोलना चाहती हूँ कि 80% ऑफ देयर डाइट शुड बी हे, बाकी जो भी है आपको उनको छोटे छोटे पोर्शन में देना। मैं दिन में 2 बार देती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। अब मैं बेबी रैबिट्स को लेके थोड़ा बताना चाहूँगी कि बेबी रैबिट्स का मेन डाइट फॉर 30 डेज शुड बी देयर मदर। पोस्ट 30 डेज आप उनको नॉर्मल ग्रास देना शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि इन लोग को कभी कभी अपने मदर को देख के कि वो कुछ खा रही है तो उनको मन करता है खाने का, तो मैं इन लोग को अ स्लाइस ऑफ कैरेट या फिर एक छोटा पत्ता लेती हूँ उसका इन लोग को देती हूँ। बट 90% इन लोगों को मैं ग्रास में ही रखती हूँ। आफ्टर 2-3 मंथ्स यू कैन कंटिन्यू विद दिस रूटीन जो मैंने आपको बताया, जो हम लोग अपने बनीज को देते हैं। बट फॉर 30 डेज उनको सिर्फ और सिर्फ अपने मदर के मिल्क पे ही रहना चाहिए, विच इज़ गुड फॉर देयर हेल्थ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से मेरे रैबिट्स को मैं जैसे पालती हूँ या उन लोग को जो भी मैं डाइट में देती हूँ मैंने आपके सामने रखने का कोशिश किया है, और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल रहा हो। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल क्यूट एंड हैप्पी बनीज। और प्लीज़ डू कमेंट मी अगर आप कुछ
और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहते हैं तो आई विल डेफिनेटली मैं उस पर वर्कआउट करूँगी और आपके सामने लाऊँगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ फ्रेंड्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.